हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं एरे के बारे में। गाइस, एरे कमांड आपने सुना होगा, ऑटोकैड में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो भी आप देख सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल एरे है, पाथ एरे है, पोलर एरे, इसके बारे में हम डिटेल में आज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इससे पहले कि आपने हमारे ट्यूटोरियल नंबर 111 तक नहीं देखे हैं, तो गाइस जाके उनको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को भी पूरा देखिए, और अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक कर देना वीडियो को। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हम गाइस आए हमारे भारत आजाद होने के 75वें साल की, आपको 15 अगस्त 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन वंदन, और सारे ऐसे अपने आर्मी के भाइयों को, सिपाहियों को तहे दिल से सलाम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते गाइस। तो इसमें ये रेक्टेंगल एरे है। सबसे पहले रेक्टेंगल एरे को हम लेते हैं। इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, REC, इंटर रेक्टेंगल के लिए REC होता है गाइस, शॉर्टकट के। इसको यहाँ पे डिजाइन कर लिया। इसके बाद में आप यहाँ से सिंपली ले सकते हैं रेक्टेंगल एरे को, और इसका शॉर्टकट ये है AR इंटर देन एंटर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आप यहां से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, देन इसमें यहां से अगर REC करके वो लेते हैं, अगर डायरेक्ट यहां से ले लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको रेक्टेंगुलर एरे चाहिए कि पाथ एरे चाहिए, पोलर एरे चाहिए। तो हमको रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, तो इसके लिए R एंटर करना पड़ेगा, R एंटर। तो आपके पास में ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप अगर डायरेक्ट इसमें अपना रो कॉलम बढ़ाना चाहते हो, घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कॉलम बढ़ाना चाहते हैं घटा बढ़ा सकते हैं गाइस। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉलम का सेटिंग दिया होता है, इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम डालने होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम हमने हमारे पास अभी अवेलेबल है 5। अगर हम इसको कम कर दें या 4 कर दें तो इस तरह से 4 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग शो करता है, यहाँ पे स्पेसिंग है 1.8। तो 1.8 को यहाँ पे डिलीट करके दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी ये 1.8 की जगह पे फॉर एग्जांपल 2 मान लेते हैं, 2 डाल देते हैं, तो देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल स्पेसिंग है इसकी, तो इन ये वाली स्पेसिंग शो करता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 2 है। जितना भी आपके पास यूनिट सेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा गाइस। ये आपका है टोटल, जो टोटल इन दोनों के बीच की जो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है। तो ये का आपका ये कॉलम है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस 1, 2, 3 इन तीनों के बीच की 2 दिए 6 स्पेसिंग आ गई है टोटल स्पेसिंग। यहाँ पे रो का देखो तो रो में हमारे पास 3 रो हैं अभी प्रेजेंट में। इसकी रो हम बढ़ा के 5 कर देते हैं, तो इसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास 5 रो आ गई है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए हमारे इन दोनों के बीच की रो के बीच की डिस्टेंस है अभी 1.6। तो इसको हम चेंज करके फॉर एग्जांपल 2 इसका भी कर दे रहे हैं। तो 2 स्पेसिंग जैसे एंटर किया तो हमारे पास इनके बीच की स्पेसिंग जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके बीच की स्पेसिंग जो हमारे पास आ जाएगी 8, क्योंकि 1, 5 जो रो है हमारे पास, तो 5 रो का जो है 4 स्पेसिंग रहेगा। जी हाँ गाइस, ये टोटल हमारा टोटल आ जाएगा स्पेसिंग 8। इसके बाद है नंबर ऑफ लेवल। लेवल से क्या होता है, ये हमारे पास पूरा जो एरे एक एरे है तो उसका है, इसमें जो है स्पेसिंग लेवल की स्पेसिंग क्या है वो भी एक ही है हमारे पास, टोटल क्या है 1 ही है। इसके अलावा आप इसको हमने बता दिया, आपको यहाँ से भी डायरेक्ट कम ज्यादा कर सकते हो, तो डायन एंटर कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा रेडी। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं पाथेरे। पाथेरे हम आपको बताने वाले, पाथेरे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये ज्यादातर पाथेरे आपका सीलिंग वगैरह में यूज में होता है, जिसमें आप पीओपी वगैरह का डिजाइन करते हैं, 3D में भी हम बताने वाले हैं उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली आपको एक ऑब्जेक्ट डिजाइन करना, फॉर एग्जांपल हमने एक सी बना लिया, सी एंटर, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, सर्कल है। यहाँ से हम आपके इसकी एक लाइन ले ले रहे हैं, कोई सिंपल आर्क, इससे आर्क ले ले रहे हैं, यहाँ से एंटर,
सेकंड पॉइंट एंटर, ये आपका एक आर्क हो गया। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पूरे पाथ में, ये हमारा एक पाथ हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमारे पूरे पाथ में, पूरे इस कर्व में पहुंच जाए, उसके लिए हम पाथ एरे का यूज करते हैं गाइस। तो पाथ एरे के लिए सिंपली यहां से डायरेक्ट भी जाके आप पाथ एरे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से ए आर एंटर, शॉर्टकट की ए आर एंटर करेंगे, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, देन आप पाथ एरे के लिए पी ए एंटर करेंगे, पी ए एंटर, आप पाथ सिलेक्ट करेंगे, आपका ये पाथ है। तो आप देख सकते हैं जितना भी आपका लाइन था जहां तक, वहां तक अपने स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ये आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है, आप जितनी आपकी स्पेसिंग इसमें डालेंगे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आप जाएंगे एरे। तो यहाँ पे आपके अभी 5.87 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 करते हैं तो देखिए कितना ऑब्जेक्ट बढ़ता है हमारा। तो देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे एक दूसरे के मिल गया और इसमें काफी ऑब्जेक्ट बढ़ गए हैं। तो गाइस ये रो वाइज होता है, इसमें क्या होता है आपका रो है 1 है, तो ये 1 रो ही है, तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है 5.87 और टोटल डिस्टेंस भी सेम रहेगी गाइस। लेवल में आता है, लेवल वही है आपका 1 1 1। तो इसके बाद आपकी आता है पाथ एरे, वो सॉरी पाथ एरे हो गया, पोलर एरे। पोलर एरे क्या होता है कि ये आपका होता है एक से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कॉलम एंड रो के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, इसमें आपका कोई भी लाइन है या कोई मतलब पाथ है उस पे आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं ओपन वाला, लेकिन इसके अलावा जो हमारा पोलर है वो क्लोज के लिए आता है। क्लोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सी सर्कल है, एक नंबर सर्कल है, तो इस क्लोज सर्कल में हम कोई भी पाथ एरे सिलेक्ट करें, सॉरी पोलर एरे। तो पोलर एरे के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने एक फॉर एग्जांपल सी इंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा पोलर हो गया। इस पोलर के चारों तरफ इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है। तो सिंपली आप यहाँ से डायरेक्ट जाके आप पोलर एरे को ले सकते हैं, या तो आप ए आर एंटर करें, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, एंटर करें, उसके बाद पोलर एरे के लिए पी ओ एंटर करेंगे, पी ओ एंटर हो गया। अब पोलर को सिलेक्ट करना है कि भाई आपका बेस पॉइंट क्या है, आपका एक्सिस पॉइंट क्या है, आपका सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर पॉइंट इसमें हमारा है तो सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया। अब इसमें गाइस आपका नंबर ऑफ आइटम 6 शो कर रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी गाइस ये आपका 6 जब सिलेक्ट कर रहा था, तो इसका जो आपका इनका बिटवीन एंगल बिटवीन आइटम, जो आइटम दोनों है इसके बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का शो कर रहा था, क्योंकि ये फिल आपका हुआ है टोटल 360 डिग्री में। अगर हम इसका आइटम नंबर ऑफ आइटम 6 की जगह पे 8 कर देते हैं तो आपका ये कितना रहेगा एंगल, तो आपका एंगल 45 का हो जाएगा गाइस नंबर ऑफ आइटम का। और नंबर ऑफ आइटम आपके 8 हो गए हैं, आपका दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल आपका 45 हो गया और टोटल फिल हुआ है 360 डिग्री में पूरा, यानी 360 में भी फिल हुआ है। रो आपका 1 होगा, बिटवीन ये डिस्टेंस आपकी बिटवीन इन दोनों के बीच की है और टोटल डिस्टेंस भी उतना ही होगा। और इस तरह से आपका वीडियो पूरा हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट कमांड के बारे में, उसके अलावा काफी कमांड्स है उसमें कवर करेंगे। तो इससे पहले कि आपने ट्यूटोरियल नंबर 1 से 11 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं गाइस। और अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।